नमस्कार ईशानेट हिंदी में आपके साथ मैं शुभकाम सोनी। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रेपो रेट में कटौती की है। लगातार पांचवीं बार ये कटौती की गई है। इससे आपको किस तरह का फायदा मिलेगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल मामलों के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्तिक गुप्ता जी। कार्तिक जी, सबसे पहला सवाल कि कटौती की गई है, क्या राहत मिलेगी आम आदमी को? सर, आम आदमी के लिए ही ये कटौती है। इंडिया की जो इकोनॉमी अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें हम देख रहे हैं इस करंट सत्र में, फाइनेंशियल ईयर में जो है ये लगातार तीसरी या चौथी बार रेपो रेट कम किया गया है। कैलेंडर ईयर में ये लगातार पांचवी बार रेपो रेट को कम किया गया है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जिस तरीके से गति देना चाह रहे हैं हम अपने इस इकोनॉमी को, जो सरकार जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को गति देना चाह रही है उसमें हमें कहीं ना कहीं उसका जो है बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला और सबसे मूलभूत जो बदलाव देखने को मिलेगा वो मिलने वाला है हमको लोन के इंटरेस्ट रेट पे। सबसे मेजर जो आज देश की जो प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, होम लोन्स हैं, रिटेल लोन्स हैं, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि अब घर के जो लोन है, नए जो बोरोअर्स हैं उनको सस्ते दरों पे लोन मिलने वाला है। सस्ते दरों पे लोन मिलेगा तो जिससे कहीं ना कहीं बूस्ट इकोनॉमी को भी आएगा, बिल्डर्स को भी पैसा मिलेगा जिससे कि उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे हो पाएंगे और एक आम आदमी का जो सपना है अपना खुद के मकान में रहने का वो भी पूरा हो पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोन जिनके चल रहे हैं, या मान लीजिए किसी ने आज से एक महीने पहले कोई लोन लिया था, तो अब आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो बेसिकली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनसे लिंक करके वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बैंक्स, जिसमें कि मूलतः जो चलता है MCLR चलता है। अभी MCLR प्लस कुछ उसका जो रिस्क रेटिंग है उसके हिसाब से एक प्रीमियम लिया जाता है कस्टमर से। क्योंकि बेस रेट कम हुआ है, रेपो रेट कम हुआ है, तो वो MCLR भी कहीं ना कहीं धीरे से नीचे आएगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद नीचे आएगा। और वो नीचे आएगा तो अपने आप जो बोरोअर है उसका जो लोन की जो किस्त जाती है उसमें जो ब्याज का कॉम्पोनेंट है, इंटरेस्ट का पार्ट है, वो अपने आप कम हो जाएगा और उसके प्रिंसिपल पे पैसा ज्यादा जाएगा तो उसका लोन जल्दी खत्म होगा जिसका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने लोन पहले से ले रखा है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इससे लिंक नहीं है, तो वो अपने बैंक में जाके एक आवेदन कर सकते हैं कि मेरा जो भी लोन चल रहा है इसमें मुझे फायदा दिया जाए और इसके लिए मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस MCLR से या जो भी बेस रेट है उससे लिंक करके किया जाए जिससे कि वो फायदा मिले बैंक। हाँ, जरूर कई बैंक इसके लिए चार्जेस भी ले रहे हैं आज की डेट में, तो ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म में फायदा ही रहेगा, कस्टमर को नुकसान नहीं रहेगा। जिन्होंने पहले लोन ले चुका है उनके लिए क्या ये आवेदन करना होगा कि जो नई रेट है उससे लिंक कराना होगा? सर, दो तरीके के लोन दिए जाते हैं हमेशा, एक तो होता है फिक्स रेट पे और फिर एक होता है बेस रेट के MCLR लिंक पे। तो अभी जो लोन चल रहे हैं वो सारे MCLR से लिंक रेट चल रहे हैं, तो अब MCLR से लेंगे तो अपने आप जब MCLR कम होगा तो आपकी किस्त भी कम हो जाएगी आपको। और जाके क्या आज के डेट में कस्टमर को बस थोड़ा सा विजिलेंट होना है, कस्टमर को ये समझना है कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है, और वो थोड़ी सी जानकारी लेके अगर बैंक के पास जाता है और बैंक से बात करता है कि मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बैंक्स उसको निश्चित ही तौर पे गाइडेंस देंगे और बताएंगे कि आपके लिए ये ऑप्शन, ये ऑल्टरनेटिव फायदेमंद है और आप इसके लिए आवेदन करें तो हम अपने सिस्टम से उसको चेंज कर पाए। बिल्कुल, 0.25 कटौती की गई है, इससे EMI कम होगी जिन्होंने पहले लोन ले चुका है और जो अब लोन ले रहा है उनके लिए किस तरह फायदा? सर, जिन्होंने पहले लोन लिया हुआ है उसमें जो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट से EMI है वो कम नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, बस उस EMI में जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट है वो बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी मूल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उस इंटरेस्ट को बांटा जाता है उस EMI के पूरे टेन्योर में, वो 10 साल हो या 20 साल हो उसमें। अब क्या होगा कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो अपने आप उस EMI में आपका जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा रीपे होगा, इंटरेस्ट का पोर्शन कम हो जाएगा, तो इससे आपका लोन जो है जल्दी पूरा चुकता हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ EMI कम नहीं होगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ही थोड़ी कटौती करनी होगी। और उसके अलावा आज की डेट में एक जो मेजर इफेक्ट जो आने वाला है, हमने लोन्स की बात करी, FD के रेट्स पे भी इफेक्ट आने वाला है इसका। ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो लीड बैंकर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपने सेविंग्स के रेट कम कर दिए हैं, उसने अपने FDs के रेट कम कर दिए हैं। 6.7 था लास्ट मंथ,
अभी मुझे पता चला है शायद 6.5 कर दिया है उन्होंने। तो अब इस तरीके से हमें ये भी समझना होगा कहीं ना कहीं कि जो इकोनॉमी है हमारी वो सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी से हटकर अब हमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी बनना पड़ेगा। जो लोग पहले अपनी FDs में पैसा रखते थे और उस ब्याज पे आश्रित रहते थे कि अब कुछ नहीं करना है हमें अच्छा खासा मोटा ब्याज की राशि मिलती रहेगी, तो एक समय पर 10 और 11% तक FDs पर ब्याज आता था, आज वो घट के 6.5% रह गए। तो अब उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए और मार्केट रिस्क को बीट करने के लिए अब उन्हें सिर्फ FDs पे आश्रित ना रहते हुए कुछ दूसरे एवेन्यूज देखने पड़ेंगे, जैसे शेयर मार्केट हुआ, डेट मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुए। इस तरीके से अगर वो अपने पैसे को बैंक की FDs की जगह कहीं मार्केट में इन एवेन्यूज में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा और उससे मार्केट फ्लो जो कैश फ्लो है मार्केट का वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था होती रहने के लिए रेपो रेट कम हुई है कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर आम आदमी को इससे फायदा मिलेगा, ये कहना है चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्तिक गुप्ता।